नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी खबर लहरिया से। प्रबंध संपादक मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सच है कि हमारी पारंपरिकता में बदलाव आया है। त्योहारों को मनाने में दिखावा बढ़ गया है, अब दिखावा और राजनीति हावी हो गई है। मैं मानती हूँ कि युग और समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है, पर हमारे जीवन में शामिल त्योहारों की पारंपरिकता में आने वाले सुख और दुख और संस्कारों को भूलने से बचना चाहिए। त्योहारों के मौके पर पहले एक दूसरे के घर जाकर के बधाइयाँ देते थे, लेकिन हर कोई अब मैसेज में बन गया है। उससे बड़ी बात तो ये है कि त्योहारों के माहौल को पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया गया है। नेता खुद भगवान बन बैठे हैं, और यह नहीं किस पे आवाज़ नहीं उठी है, यहाँ तक कि धर्म गुरुओं ने इस पर आवाज़ उठाई है। 2 महीने पहले दैनिक भास्कर में छपी खबर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा हो, चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे उत्तर की पार्टियां हों, जो भी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में पंजीकृत हुआ है वह धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने रिटर्न में धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के खुद को रजिस्टर कराया है। जो भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन गया मानो वह धर्मनिरपेक्ष हो गया। ऐसे में एक साथ आप धार्मिक भी हो और आप धर्मनिरपेक्ष भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। देखा जाए तो 2014 से, मतलब जब से सत्ता में बीजेपी पार्टी आई है, तब से त्योहारों में राजनीति हावी है। साल दर साल इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हर छोटी से छोटी त्योहारों को बड़ा बनाने और उसका प्रदर्शन दिखावा के रूप में किया जाता है। इस साल 18 फरवरी को शिवरात्रि और 30 मार्च को रामनवमी का त्यौहार ही देख लीजिए। बड़े बड़े जुलूस, नशे में धुत लोग, वो भी अश्लील गाना के सामने खूब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फिर वो खुद भगवान बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हीं से लोग जिंदा हैं और मरेंगे भी। रामनवमी का त्यौहार हो या शिवरात्रि का, पहले चुनिंदा मंदिरों और आम लोगों के घरों तक सीमित था, लेकिन अब जहां पर जो भी पार्टियां सत्ता में हैं वहां की पार्टियों के लिए सियासत का प्रमुख अंग बन गया है, हथियार बन गया है। बीजेपी पार्टी के ऊपर धर्म की राजनीति का आरोप हमेशा से लगता आया है, लेकिन आज के माहौल में धर्म राजनीति का हथियार बन गया है और सभी पार्टियां धर्म की आड़ में राजनीति कर रही हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति से बीजेपी को तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। वैसे और भी पार्टियां सोचती हैं कि शायद उनका भी उद्धार हो जाए। इससे सारी पार्टियों को ये लगता है कि राजनीति में धर्म एक ऐसी जादू की छड़ी है जो एक साफ सुथरा छवि वाला नेता बना देती है। अब इस छवि को बनाने की होड़ नेताओं में लगी हुई है, सब एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया में रोज के डोज दिए जाते हैं और इस रोज के डोज की लत आम लोगों में भी पड़ गई है, आग की तरह फैल गई है। लोग भी ऐसे नेताओं को भगवान मान बैठे हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। सच बताइए, ले रहे हैं ना आप रोज के डोज? अगर हाँ या ना भी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।